वरना हमारा हलकों में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जो लोग एहतजाज कर रहे हैं ये कोई और पार्टियों के लोग नहीं हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों के पास जब जाते हैं वोट मांगने के लिए, वो हमें कहते हैं कि जी हमें इस जुल्म से बचाएं आप, तो ये उनकी आवाज़ मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। खुदारा वज़ीर आज़म साहब, आप इस पर खुसूसी शफ़क़त करें। आपका ये एक वतीरा रहा है, आपका ये आपने हमेशा डिलीवर किया है पंजाब के अंदर। आप गरीबों के हमदर्द हैं, तो वो हमदर्दी का अंसर पाकिस्तान के गरीब आवाम को महसूस होना चाहिए, नज़र आना चाहिए। महंगाई में लोग पिस रहे हैं, हमारी माएँ बहनें नून लीग की फैसलाबाद की बेटियां लाइनें लगाकर यहां पर वापडा के ऑफिस में उनकी तजलील हो रही है। मैं वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब को कहूंगा जाके प्लीज़ विजिट करें किसी सब ऑफिस में, पता चले कि हमारी बेटियां माएँ बहनें किस तरह लाइन में जरीर हो, ऊपर से गर्मी है, हब्स है। हम नहीं ये बर्दाश्त कर सकते कि मेरी बेटी अपनी जाति खड़ी हो तो मेरे लिए मौना का मुकाम है, वो भी कोई लाइन पे खड़ी हुई किसी की बेटी है, बहन है, बहू है, हमें उनका ख्याल करना होगा। खुदारा नहीं कौम को मजबूर करे कि खाना जंगी की तरफ धकेल दिया जाए। हम आपके नुमाइंदे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, हम आपके नुमाइंदे हैं हलकों में। ये मैं दुख भरी दास्तान अवाम की आपके सामने पेश कर रहा हूँ, अवाम के नुमाइंदा होने की हैसियत से। हमारे में ये नहीं है कि हम लोगों के बदवाएँ लें, जोनियाँ उठाएँ, मेरी माएँ मेरे घर आके मुझे बदवाएँ दे के जाएँ, ये चीज़ हम नहीं बर्दाश्त कर सकते।